पढ़ तो तू अब भी सकता है, बस जरूरत है एक पागलपन की, एक आग की जो तुझे हर वक्त तेरे लक्ष्य की याद दिलाती रहे। तुम्हारे घंटों पढ़ाई में भी कुछ ही पल ऐसे होते हैं जिसमें तुम पूरी तरह से डूब जाते हो किताबों में, जिसमें तुम और एक एक अक्षर एक हो जाते हो। तो अगले कुछ पल में अगर वो ही फोकस तुम बना सको, पूरी तरह से हर अक्षर में समा सको, तो बचा हुआ वक्त काफी होगा तुम्हारी जीत के लिए। तो अब देखना यह है कि क्या तुम अकेले बैठ सकते हो किताबों के साथ, क्या तुम मोबाइल, दोस्त, पार्टी, घूमना, मस्ती छोड़ सकते हो, क्या तुम दुनिया की नजरों से गायब होकर पढ़ सकते हो बचे हुए वक्त में, या फिर बस वक्त को दोष देकर रोते रहना चाहते हो। दुनिया के सामने वक्त को खराब साबित करना बेकार है, क्योंकि अगर इसमें तुम सफल भी हो जाओगे तब भी जीत तो नहीं मिलेगी तुम्हें। इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है तुम्हारे अपने हालात। क्या तुम्हारी सांस घुटती है? क्या तुम आजादी के लिए तड़पते हो? खुश नहीं हो तुम यहाँ? तुम जानते हो तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, और अगर ये बात तुम्हें अंदर से खा रही है तो तुम पढ़ोगे। अगर माँ को अच्छी जिंदगी देनी है, तुम अपनी जान भी लगा दोगे अगर अपने परिवार के लिए कुछ करना है। कब तक यार, कब तक चलेगी ये आंख मिचोली? कब तक स्वीकार नहीं करेगा कि तू गरीब है? कब तक पिता के कर्ज, माँ के आंसू, खाली जेब को नजरअंदाज करेगा? जो गुस्सा, जो चुभन तेरे अंदर है उसे फटने दे। पढ़ हर एक पल में ऐसे जैसे कि अपने नासूर को तू ठीक कर रहा है। जी किताबों को इस तरह जैसे कोई घाव में मलहम लगाता है। डूब जा पढ़ाई में इस विश्वास के साथ जैसे कोई बच्चा ऊंचाई से छलांग लगाता है कि कोई उसे थाम लेगा। बदलेगा, तेरा हर पल बदलेगा। अब की बार ना नया सूरज निकलेगा। बस तू अपनी आंखें खुली रखना उसे देखने के लिए, बस बाहें खोलना उसकी रोशनी में समाने के लिए। माना वक्त कम बचा है पर काफी है तेरे लिए। तू कुछ ना कुछ बड़ा इस वक्त में भी कर ही लेगा। अब जो ये वक्त बचा है ना, ये बहुत खास है। बस इसमें खुद से, खुद के सपनों से, खुद के अपनों से झूठ मत बोलना। इस वक्त में तू इतनी मेहनत कर, इतना पागल हो जा, इतनी गहराई से पढ़ कि कुछ ऐसा हो जाए जिसे इतिहास याद रखे। याद रख ये पिक्चर का एंड है, क्लाइमैक्स। इसमें कुछ ऐसा कर दे जिससे पूरी की पूरी पिक्चर सुपर हिट हो जाए। अकेले में अपने हर डर से लड़, खामोशी से किताब को पढ़, और सफलता को चीख चीख कर शोर मचाने दे। और हाँ, मैं जीत के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा। बोल, तू आएगा ना?